नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। आज मैं आपको जो आपके सामने LDB दिख रहा है यानी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, आज इसको हम खोलेंगे। लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि RYB को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और अलग अलग लाइटों को कैसे MCB से जोड़ के उसके पास सप्लाई पहुंचाई जाती है। तो सारा फ्लोर का जो लाइट है, किसी फैक्ट्री का हो या फिर किसी मॉल का हो, वहाँ पर जो लाइटिंग सुविधा होती है वो यहीं से हो के जाती है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हो के जाती है सप्लाई। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कैसे RYB को कितने लाइटों के समक्ष दिया जाता है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा। एक क्लिप है, इसको मैं दबा के ऐसे इसको मैंने ओपन किया और जैसा कि आप सारे MCB देख रहे हो, अभी मैं इस प्लेट को भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि अंदर कैसे कनेक्शन है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। दोस्तों, ये DB जो है वर्किंग कंडीशन में है, यानी इसको खोलते समय कोई भी MCB गिरना नहीं चाहिए, कहीं की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास है एक टेस्टर, इसी से हम ओपन करेंगे। ये 500 वोल्ट पे ही वर्क करने लायक होता है, यानी उससे ऊपर हम इसे वर्क में नहीं ले सकते। तो मुझे 4 स्क्रू खोलने होंगे इसको ओपन करने के लिए। इन चारों को मैं पहले खोल के आपको दिखाता हूँ। फिर दोस्तों, इस स्क्रू को खोलने के बाद अब इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं हम इस स्क्रू को। उसके बाद हमारे पास स्क्रू, जैसा देख रहे हैं कि आप, चारों का स्क्रू हमने ओपन कर लिया है। चारों जो इसके कोने हैं वहाँ से हमने स्क्रू को निकाल लिया है और अब हम ओपन करेंगे इसके ऊपर वाले बॉक्स को। बंद में ऐसा देखिए दोस्तों, बंद में अभी ऐसा दिख रहा है और इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा अंदर कनेक्शन होता है। देखिए, जैसा कि मैंने इसको निकाल लिया है और ये है आपका अंदर का कनेक्शन। तो अभी देखते हैं कि अंदर कैसा कनेक्शन होता है। ये पूरे DB का आप मेन व्यू देख रहे हो, पूरा DB अपना ऐसा है और हमने वही LDB खोला है जिसमें मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया था। उसके बाद अब देखते हैं कि इसमें RYB कैसे है। देखिए, इस ए जो है हमारा मेन MCB है, सप्लाई यहाँ से इन हुई है, आर वाई और बी और न्यूट्रल। यहाँ पर इसमें आप देख रहे हो कि आपको टेस्टर में हम देख सकते हैं इसमें सप्लाई है। ठीक है, तो ऐसे ही RYB करके तीनों में सप्लाई है और यहाँ से ये मेन गिराने के बाद इसके जो सारे MCB के आप देख रहे हैं, सारे अलग अलग देख रहे हैं आपकी R जो सप्लाई यहाँ से होते हुए इसमें आई हुई है और Y आपका इसमें गया है और B आपका इस वाले में गया है और सभी को न्यूट्रल डायरेक्टली दे दिया गया है। तो इस तरीके से मेन MCB से R यहाँ पर, Y यहाँ पर, B यहाँ पर, ऐसे ही एक एक फेज को हम एक एक MCB के समूह में दे के वहाँ की लाइटिंग प्रणाली को कंट्रोल में करते हैं, यानी वहाँ से लाइटों के पास सप्लाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, इस MCB समूह में R आया हुआ है और उसके बाद इसमें Y आपका येलो और इसमें आपका ब्लू आया हुआ है और इसमें आप देख रहे हो कि ये न्यूट्रल का अपना है, न्यूट्रल का पॉइंट है। यहाँ से न्यूट्रल को सभी सेम चला गया है, ये इसका जो मेन है यहीं से लाइटिंग के लिए न्यूट्रल सभी को चला गया है। तो इस तरीके से लाइटिंग का जो सुविधा है इस DB से दिया जाता है और इस DB में एक मेन MCB है जो कि इन तीनों MCB के RYB को कंट्रोल करता है। यानी हमें मेन लाइट का शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर सारी लाइटों को हमें बंद करना है तो हम मेन को भी MCB को गिरा सकते हैं, या किसी एक लाइट पे हमें वर्क करना है या किसी एक जगह एक फ्लोर पे, फ्लोर के एक रॉ में हमें वर्क करना है तो हम किसी एक MCB को भी गिरा के काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक MCB जो है एक रो को, यानी करीब 10 से 12 ट्यूबलाइटों को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि एक MCB एक लाइट के लिए लगा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे ही लाइटों के जो रो हैं अलग अलग MCB से कनेक्ट हैं और इसमें आप अर्थिंग प्रणाली भी देख रहे हो। अर्थिंग का जो अर्थ का जो वायर है, ग्रीन कलर का जितने वायर हैं आप अर्थ के देख रहे हो और इसमें ये जो बेस है आपका, बेस
इसी पे एमसीबी फिट होता है और इसी पे स्थिर रहता है। तो इस तरीके से न्यूट्रल इस तरफ भी है आपका, न्यूट्रल यहाँ पर भी है और न्यूट्रल यहाँ पर भी है। तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली सभी लाइटों के रो के चला जाता है, जिससे ट्यूबलाइट को फेज और न्यूट्रल की है आवश्यकता होती है। थ्री फेज से कोई लाइट जलती नहीं है, तो फेज और न्यूट्रल से लाइट को हम जलाते हैं। सभी पे लोड पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि किस फेज पे कितना लोड रहेगा। फेज सीक्वेंस यानी हमें लोड एक मेंटेन करके रखना पड़ता है कि जितना आर पे हो उतना वाई पे हो, उतना बी पे हो, किसी पे कम या ज़्यादा ना हो। तो इस वजह से हमें लोड का पहले ही अब गुणा भाग करके उस पर लोड दिया जाता है। दोस्तों आप जो अंदर देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका अर्थिंग पॉइंट है, यहाँ से अर्थ भी जाता है सभी के लिए। और इस पूरे बॉक्स को आप देख रहे हो कि आर वाई बी अलग अलग एम सी बी समूहों को अलग अलग आर वाई बी दिया गया है। और ये जो आप इनकमर, यही इनकमर है, आर वाई बी यहीं से आ रहा है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। मेन डी बी जो मेन हमारा पैनल होता है, पैनल से ही आता है एल डी बी को, फिर एल डी बी से लाइट को जाता है। और हमें लाइट को बंद या चालू करना हो तो यहाँ से करेंगे। और अगर इसमें कुछ